खून पीने वाले वेशी दरिंदे वेम्पायर्स के सच में होते हैं। एक समय ऐसा भी था जब एक कातिल वेम्पायर बनकर खून कर रहा था, और क्या था उस समय का असल राज, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। दोस्तों, मैं आपके लिए आज जो मूवी लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है बेलाकिस, और ये मूवी हर बार की ही तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। कहानी है 1916 की, जब एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहाँ पर पुलिस को एक जगह पर बहुत सारे गैसोलीन ड्रम में से लड़कियों की लाशें मिली थी, और उन लड़कियों के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। लड़कियों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पुलिस उन लाशों को देखकर उल्टियां करने लगी थी। जहाँ पर वो लाशें मिली थी वहाँ पर बेलाकिस की प्रॉपर्टी थी। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर जूलिया नाम की एक लड़की एक लॉकेट को देखकर भयानक यादें सोच रही थी। जूलिया अपने दोस्त फेलिक्स, निकोलाय, सोफिया, पीटर के साथ कहीं दूर जा रही थी, और ये सभी कुछ देर पहले एक बैंक लूटकर आए हुए थे, मतलब कि रॉबर थे। वे लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और इस वजह से कार के बाहर उनको कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी उनको बाहर गोलियों की आवाजें सुनाई देती है, और उनके कार के पास एक आदमी आता है जो कि उनसे ये बोलने आया था कि वो अपनी गाड़ी को कुछ समय के बाद रास्ते में से हटा देगा। उस आदमी के पास में एक गन भी थी, और उस आदमी की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वो उन लोगों को मदद के लिए बुलाता है। वे सभी कार के बाहर आते हैं और उस आदमी की मदद करते हैं। तभी वो आदमी अपने रेडियो पर सुनता है कि तीन आदमी और दो लड़कियां बैंक लूटकर भागे हैं, और उनके पास में हथियार भी है। वो आदमी समझ जाता है कि ये सब उन्हीं का काम है, और वो गन निकालकर उन सबको धमकाने लगता है। वो आदमी उनके लूटे हुए पैसा मांग रहा था, और जूलिया उसे पैसे और गन दे देती है, लेकिन वो गन नकली थी क्योंकि वे सभी किसी को हर्ट करना नहीं चाहते थे। वो आदमी फिर पुलिस को कॉल करने वाला था, तभी निकोलाय उसके ऊपर गोली चलाकर उसे मार डालता है। वो गोली जूलिया को छूकर भी निकलती है, तो उसे थोड़ी बहुत चोट आती है। जूलिया को चोट लगने पर फेलिक्स निकोलाय पर गुस्सा होता है, लेकिन निकोलाय उसे गन दिखाकर उस आदमी की लाश ठिकाने लगाने का कहकर वहां से निकलने को कहता है। उस आदमी की लाश को निकोलाय जंगल के अंदर छोड़ देता है, और वह आदमी अभी भी जिंदा था, इसलिए निकोलाय गन से उसे कई बार मार के उस आदमी की जान ले लेता है। फिर वे सभी कार लेकर निकल जाते हैं, और रात तक वो सभी एक होटल में आकर रुकते हैं जो कि जंगल के बीच में था। वहां पर मिस जैकोबेक नाम की एक औरत उनका वेलकम करती है, और उनके आते समय एक कपल वहां से चेकआउट करते हैं। मिस जैकोबेक जूलिया को कुछ अजीब तरीके से देख रही थी, और मिस जैकोबेक उन सभी को रूम दे देती है। वे सभी अपने रूम में जाते हैं, और फेलिक्स जूलिया के जख्मों पर पट्टियां करती है। वे दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे, और फेलिक्स जूलिया को निकोलाय से दूर रहने को कहता है। निकोलाय जूलिया का बचपन का दोस्त था, तो जानती थी कि वो उसे जानबूझकर कभी भी हर्ट नहीं करेगा। फेलिक्स उस समय पर जूलिया के साथ में इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन जूलिया उसे उस समय ऐसा करने के लिए मना कर देती है। फेलिक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि जूलिया क्यों परेशान है। जूलिया उसे अपनी मन की बात खुलकर बता भी नहीं रही थी। पुलिस अभी भी उन सभी को ढूंढ रही थी, और निकोलाय अपने बेड के मैट्रेस में पैसे को छुपा देता है, और फिर रात को सभी डिनर करने आते हैं। उस होटल में और भी कई लोग रह रहे थे, और फेलिक्स निकोलाय से आगे का प्लान पूछता है, लेकिन निकोलाय कहता है कि उनको कुछ समय तक ऐसे छुपे रहना होगा। तभी वहां पर मिस जैकोबे आती है वेलकम ड्रिंक लेकर। जैकोबे अपने साथ में पेस्टर नाम के एक वेटर को लाई थी। सोफिया असल में वेजिटेरियन थी, तो मीट के अलावा कुछ वेज खाना उनसे मंगवाती है, लेकिन जैकोबे ये कहती है कि वो सिर्फ मीट खाना ही यहाँ बनवाते हैं। सोफिया के वेजिटेरियन होने की बात सुनकर पेस्टर उसे अजीब तरीके से देखता है, और खाने के बाद में जूलिया और निकोलाय अपने बचपन की बातें कर रहे थे। निकोलाय को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो जूलिया को पसंद करता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। जूलिया और निकोलाय को हंसते बातें करते देखकर फेलिक्स उससे जिलस फील कर रहा था। फेलिक्स को अकेला खड़ा देख जैकोबे फेलिक्स के पास आकर निकोलाय और जूलिया के बारे में बात करने लगती है। फेलिक्स उसे कहता है कि जूलिया उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उस समय सबसे अकेला तो वही खड़ा था। उसके किसी भी जरूरत के लिए जैकोबे फेलिक्स को अपने रूम में आने को कहती है। वो उसे ये भी कहती है कि वो उसके रूम में कभी भी आ सकता है, और वहां से चली जाती है। अब सीन फिर से पास्ट में आता है, जहाँ पर बेलाकिस की कहानी दिखाई जाती है जो कि अपनी वाइफ के साथ में रहने आया था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता खराब होने लगा था। उसकी वाइफ उसे छोड़कर किसी और के पास में चली गई थी, और बेलाकिस को एक दिन चोर ने गोली मार दी थी, और इसी तरह वो अपनी जिंदगी में दो बार मर चुका था। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर निकोलाय रेडियो में सुनकर ये जान रहा था कि पुलिस उनको ढूंढने के लिए क्या कर रही है, और इधर जूलिया जब नहा रही थी तो उसे फिर से भयानक सपने आने लगते हैं, जहाँ पर कोई उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा था। इधर कोई बाथरूम में आकर छुपकर उसके लॉकेट को छूता है,
और जूलिया जब बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इस तरह सोफिया और पीटर होटल के बाहर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सोफिया को वहाँ पर गैसोलीन के ड्रम्स दिखाई देते हैं तो वो उसे देखने जाती है और वो उस ड्रम को खोलना चाहती थी लेकिन वो नहीं खुलता है। तभी वहाँ पर पेस्टर आता है और वो उनसे कहता है कि उन ड्रम्स में गैसोलीन है जिससे वे लोग होटल के पावर को सप्लाई करते हैं। फिर दोपहर को सभी खाना खाने के लिए बैठे थे लेकिन फेलिक्स आने में देर करता है। जूलिया ये देखती है कि फेलिक्स जुकबे के साथ बातें कर रहा है। जूलिया जुकबे पर जरा भी ट्रस्ट नहीं करती थी। फेलिक्स के आने के बाद में जूलिया उससे पूछती है कि वो जुकबे के साथ में क्या बातें कर रहा था लेकिन वो जूलिया को कुछ नहीं बताता है। फेलिक्स निकोले से पूछता है कि वे लोग यहाँ से कब निकलेंगे। वो निकोले कहता है कि पुलिस चेक पोस्ट पर उनको पकड़ने के लिए खड़ी है तो वे लोग अभी तो वहाँ से नहीं निकल सकते हैं। फेलिक्स थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि रेडियो और पैसे सब निकोले ने अपने पास में रखे हुए थे और उन्हें बस निकोले की हर बातें माननी पड़ रही थी। लेकिन निकोले इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है और चुप रहता है। तभी वहाँ पर पेस्टर आकर निकोले को स्मोकिंग न करने को कहता है क्योंकि बाकी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। तभी निकोले अपनी सिगरेट बुझा देता है। कहानी फिर से बेलाकिस की तरफ आती है जहाँ पर वो गोली लगने की वजह से मर चुका था और नरक से एक शक्ति आई थी उसके सोल को ले जाने के लिए लेकिन वो उसे लेकर नहीं जा पाई थी। तब बेलाकिस फिर से जिंदा हो गया था लेकिन इस बार वो खून का प्यासा बन गया था। वो लड़कियों को पकड़ता और उनका खून पीता और लड़कियों की बॉडी को ड्रम्स में बंद कर दिया करता था। कुछ दिनों के बाद में घर की देखभाल के लिए उसने जुकबे को काम पर रख लिया था। मतलब कि बेलाकिस और जुकबे का कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। कहानी फिर से प्रेजेंट समय में आती है जहाँ पर जूलिया और फेलिक्स के रूम को कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन वे लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और असल में दीवार के उस तरफ एक लड़की उनसे मदद मांग रही थी लेकिन किलर उसे पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे होटल के गेस्ट कम हो रहे थे और जुकबे फेलिक्स के पास आकर कहती है कि अगर वो सैड है तो कभी भी उसके रूम में आ सकता है। वो उससे जूलिया के बारे में पूछकर उसे गलत तरीके से छूती है और जुकबे उसके करीब आने की कोशिश भी करती है। वो उसके साथ में सेक्सुअल बातें कर रही थी और फेलिक्स उसकी बातों का ठीक से जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। फेलिक्स जूलिया के पास जाता है और उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन जूलिया उसे अपने करीब आने नहीं देती है। फेलिक्स इस बात से जूलिया से नाराज हो जाता है और वो आधी रात को जुकबे के कमरे की तरफ जाता है। वो कीहोल से देखता है तो जुकबे किसी आदमी के साथ में इंटीमेट हो रही थी। सीन अगेन कट होता है और शिफ्ट होकर बेलाकिस की तरफ आता है जहां पर पुलिस बेलाकिस को ढूंढ रही थी लेकिन वो कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आता है। 1914 तक बहुत सारी लड़कियां मिसिंग हो गई थी लेकिन लड़कियों का कुछ भी पता नहीं चला था। उसी साल 1914 में बेलाकिस आर्मी बनकर वॉर में चला गया था और उसकी हाउसकीपर जुकबे उसके घर की देखभाल करने लगी थी। अब 1916 को 23 लड़कियों की बॉडी गैसोलीन के ड्रम से मिली थी और उन सभी लड़कियों की डेड बॉडी में एक भी बूंद खून की नहीं थी। सीन फिर से प्रेजेंट समय में आता है जहां पर जूलिया और निकोले बातें कर रहे थे लेकिन फेलिक्स का कोई भी अता पता नहीं था। जूलिया फेलिक्स को ढूंढने जाती है जहाँ पर वो देखती है कि लड़कियों को किसी आदमी ने चाकू से मार के उन्हें मार दिया है और वो किलर जूलिया की तरफ देख रहा था। जूलिया डर कर वहां से भाग कर अंदर आती है और जुकबे को सारी बातें बताती है। फेलिक्स भी वहां पर आता है और जूलिया फेलिक्स को भी ये बातें बताती है। फिर वे जूलिया की तसल्ली के लिए उस आदमी को रूम के पास में जाते हैं और जुकबे उस आदमी से पूछताछ करती है। जूलिया खुद उस आदमी का रूम चेक करना चाहती थी लेकिन फेलिक्स उसे अपने साथ में ले जाता है। फेलिक्स उसे समझाता है कि उनको इस सब में नहीं पड़ना चाहिए और वे लोग खुद चोर हैं और अगर पुलिस यहाँ पर आई तो वे भी उसमें फंस जाएंगे। फेलिक्स जूलिया की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं कर रहा था और दोनों के बीच में झगड़ा होता है और फेलिक्स उसे थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। इस बात से जूलिया बहुत ज्यादा रो रही थी और इस समय में निकोले जूलिया का ध्यान रख रहा था। एक तरफ जूलिया के मन में बचपन का वो डर और दूसरी तरफ फेलिक्स से हुई परेशानी। जूलिया अपनी लाइफ में कन्फ्यूज हो रही थी। फिर वो आधी रात को जूलिया को अपने रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है और वो उठकर देखने जाती है। वो देखते है कि फेलिक्स जुकबे के रूम की तरफ झांक रहा है और जुकबे रूम के बाहर आकर उसे किस करती है और उसे अपने रूम में ले जाती है जिसे देखकर जूलिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और तब निकोले आकर उसे संभालता है। कहानी फिर से बेलाकिस की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ पर पुलिस को पता चल चुका था कि उन मर्डर्स के पीछे में बेलाकिस का हाथ है और वे जुकबे से पूछताछ करते हैं लेकिन जुकबे के अनुसार उन्हें इन डेड बॉडीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कहानी फिर से प्रेजेंट समय में आती है जहाँ पर फेलिक्स जुकबे के रूम में सो रहा था
और जोकुबेक फेलिक्स को जगाती है और उसे अपने बेटे से मिलने की बात कहती है। तभी रूम में वही किलर आता है और फेलिक्स के ऊपर चाकू से वार करता है। फेलिक्स बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वो किलर फेलिक्स को घसीटते हुए एक रूम में लेकर आता है और वो उसे उल्टा लटका देता है। फिर वो उसके गले को काटकर उसका खून एक ड्रम में जमा करने लगता है। फेलिक्स वहीं पर मारा जाता है। और अगली सुबह जूलिया जब सो रही थी तो निकोले उसके पास आकर उसके जख्म का खून चाटता है। निकोले जूलिया का लॉकेट खोलकर ये देखता है जिस पर बेला किस की फोटो थी, मतलब कि जूलिया बेला किस की बेटी थी। तभी निकोले को किसी का कॉल आता है जो कि उसे पैसों के बारे में पूछ रहा था और उसे ऑर्डर्स को फॉलो करने को कह रहा था। निकोले भी उसकी बात मान रहा था और फोन पर और कोई नहीं बल्कि बेला किस ही था। फेलिक्स की कोई खबर नहीं थी तो जूलिया उसे जोकुबेक के रूम में ढूंढने जाती है। वहां पर वो देखते हैं कि जोकुबेक बेड पर लगा खून साफ कर रही है और जूलिया उससे फेलिक्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है। जूलिया को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो जाकर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बता देती है। सभी दौड़कर निकोले के रूम में जाते हैं और वे सभी वहां से जल्द निकलना चाहते थे। जूलिया निकोले से इस जगह के बारे में पूछती है क्योंकि निकोले ही उनको यहाँ पर लेकर आया था। निकोले पैसे का बैग पीटर और सोफिया को देकर कार में वेट करने को कहता है और वो जूलिया के साथ में फेलिक्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कार में पीटर और सोफिया बहुत देर तक उन दोनों का वेट करते हैं, लेकिन वो दोनों आ ही नहीं रहते और तभी उनको कुछ आवाजें सुनाई देती है। वे दोनों कार को लॉक कर देते हैं और अचानक उनकी कार भी बंद हो जाती है। एक चाकू लेकर पीटर बाहर कार चेक करने जाता है और पीटर कार को ठीक कर देता है और कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो किलर आकर पीटर को मार डालता है। और इसे देखकर सोफिया कार से निकलकर भागती है और किलर उसके पीछे आ रहा था। सोफिया एक घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे पेस्टर मिलता है और वो उसे मदद मांगती है। पेस्टर उसे शांत करता है और चाय पीने के लिए देता है, जिसे पीते ही वो पैरालाइज्ड हो गई थी। और पेस्टर उसको कहता है कि बेला किस ने उसका खून पीकर उसे जीवन दान दिया है, जिसकी वजह से वे सभी अमर है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो लोगों का खून पीते हैं। वे लोग वेम्पायर की तरह खून जरूर पीते हैं, लेकिन उनके पास में वेम्पायर जैसे दांत नहीं है। सोफिया सारी चीजें सुन तो पा रही थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो पैरालाइज थी। अब उसी समय वहां पर किलर आता है और सोफिया का हाथ काटकर उसका खून एक जगह पर जमा करता है और फिर सोफिया भी यहाँ पर मारी जाती है। वो किलर खून से सना हुआ था, मतलब कि उसने पीटर का खून पी लिया था। और इधर जूलिया और फेलिक्स एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बेला किस के बारे में सारी जानकारी थी। उन्हें पता चलता है कि एक बार बेला किस को वॉर में गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा था। और निकोले जूलिया से कहता है कि बेला किस ही उसका पिता है और यही उसका घर है, लेकिन जूलिया ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक कातिल उसका पिता हो सकता है। निकोले जूलिया को किस करके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया निकोले पर बुक शेल्फ गिराकर फेलिक्स को ढूंढने निकल जाती है। होटल में अब कोई भी गेस्ट नहीं बचा हुआ था और जूलिया एक अंधेरे रूम में आती है। बाहर से जोकुबेक ने उस रूम का डोर बंद कर दिया था और जूलिया वहां पर देखती है कि वो किलर फेलिक्स की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और उसका खून जमा कर रहा है। किलर से बचने के लिए जूलिया एक खून से भरे बाथटब में छुप जाती है और किलर के जाने के बाद में वो अपने दोस्तों की मदद करने जाती है, लेकिन किलर की आवाज सुनकर वो फिर से छुप जाती है। किलर वहां पर आकर पीटर का गला काट देता है और पीटर को जूलिया की खुशबू से पता चलता है कि वो वहीं पर छुपी हुई है। जूलिया वहां से निकलकर किलर पर वार करने आती है और जूलिया को यहां पर पता लगता है कि वो किलर उसका भाई है और उसी ने बचपन में जूलिया का रेप किया था, जिसकी वजह से वो घर से भाग गई थी, लेकिन उन यादों ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा था। वो किलर फिर जूलिया का लॉकेट छीन लेता है और कहता है कि ये लॉकेट पहनने का मतलब ये नहीं है कि मेरे फादर तुमसे प्यार करेंगे। फिर वो जूलिया के साथ में फिर से जबरदस्ती करने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून पीता है। तभी वहां पर निकोले आकर किलर को गोली मार देता है। निकोले जूलिया को ले जाने लगता है, लेकिन वो किलर फिर से उठकर निकोले पर हमला करता है और गोली किलर की आंख के आर पार हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किलर अभी भी जिंदा था। जूलिया एक चाकू उठाकर किलर का गला काटकर उसे मार डालती है और जूलिया निकोले के पास आती है। निकोले उसे माफी मांगता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। जूलिया अपना लॉकेट लेकर वहां से निकलने लगती है और निकोले वहां पर आग लगा देता है। फिर जूलिया भाग कर जंगल में जाने लगती है और इधर बेला किस एक लड़की को अपने साथ लेकर होटल की तरफ आ रहा था। जूलिया बेला किस के कार को देखकर उसे मदद मांगती है, लेकिन बेला किस को वो नजर नहीं आती और वो आगे बढ़ता जाता है। बेला किस उस होटल में आ पहुंचता है और उसने उस लड़की को मरवा कर उसका खून पी लिया था।
बेलाकिस को देखकर जोकोबेक कहती है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन बेलाकिस को इन प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर जूलिया को भी समझ आ जाता है कि उसकी असली जगह उसके फादर के साथ है, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह एक खून पीने वाली अमर क्रिएचर है, जिसके बाद में वो भी होटल की तरफ जाने वाले लोगों से लिफ्ट लेकर होटल की तरफ अपने फादर के पास जाने वाली थी, क्योंकि अब वही होटल उसका घर था। दोस्तों, इस मूवी में हुआ ये कि बेलाकिस जब मारा गया था तो हेल की शक्ति जब बेलाकिस के सोल नहीं ले जा पाई थी तो बेलाकिस फिर से जिंदा हो गया था और हमेशा के लिए वो अमर हो गया था। वो लोगों के खून का प्यासा बन गया था और अमर होने की वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ती थी और वो इतना सालों से जिंदा था। बेलाकिस की बेटी जूलिया, उसका बेटा वो किलर और जोकोबेक, पेस्टर, निकोले सभी उसी की तरह खून पीने वाले दरिंदे थे और वे सभी सालों से अमर थे। बेलाकिस के कहने पर ही निकोले जूलिया को वहाँ पर लेकर आया था ताकि वो अपनी असलियत को समझ पाए, लेकिन निकोले ये नहीं चाहता था कि जूलिया को कुछ नुकसान हो। और फिर आखिर में जूलिया को समझ आ जाता है कि उसका असल घर कहाँ पर है और वो कहाँ से बिलोंग करती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर बेलाकिस नाम के एक सीरियल किलर ने 23 लड़कियों का मर्डर कर दिया था और उन सभी डेड बॉडी में से एक बूंद भी खून की नहीं मिली थी। सभी उसको वैम्पायर समझने लगे थे और आज तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया है, और क्या पता वो सच में एक वैम्पायर हो। और ये भी हो सकता है कि बेलाकिस अभी भी हमारे बीच में घूम रहा हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ।